जो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है, दैट टू फ्रॉम सिंगापुर. यू नो हमारा लाइसेंस होता है ये, जो हम हर फ्लाइट के पहले दिखाते हैं. इट वॉज ऑलवेज प्लेजर फ्लाइंग विद यू मेघा अब्रॉल. Welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really, really great. तो अब आप सब aware हो, आप सबको पता है that I left SpiceJet और I hope कि आपने मेरा वो last vlog देखा हो, जो last flight वाला vlog है. मैंने बहुत मुश्किल से वो in-flight सब capture किया. 10 बार मेरा literally फोन गिरा था, जो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था. ऐसे ना दिल बाहर आता था, literally ऐसे हार्ट अटैक जैसा फील होता था. ओह शिट, ऐसे और थम सी जाती थी वो दुनिया मेरी. तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके वो वीडियो बनाया है, थोड़ा सा प्यार दिखाई है उस पर. और एक्चुअली जब हम लोग एक कंपनी छोड़ते हैं तो वट एवर सामान दे हैड यू नो गिवन हमारी ट्रेनिंग के टाइम पे, या फिर यूनिफॉर्म वट एवर इज देयर फ्रॉम द कंपनी, वी हैव टू गिव इट बैक. हम लोग को वापस देना पड़ता है विद इन 7 डेज, ऐसा होता है. तो अभी हो रही है रात और रात के बज रहे हैं अराउंड 8 बज रहे हैं और मैं सामान करने लगी हूँ पैक, क्योंकि मुझे सुबह जाना है बेस पे, आई मीन एयरपोर्ट जाना है, अपना सारा सामान लेके और सारी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं, एग्जिट फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी है. तो जो भी कंपनी ने मुझे सामान दिया है वो सब बैग में भरना पड़ेगा उन यादों के साथ, और कंपनी को देना पड़ेगा वापस. तो फिलहाल मेरा सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको यू नो वो खलारा नहीं दिखाना चाहती हूँ. तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले सारा सामान एक साथ जमा कर लेती हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं जो वापस देनी है. फिर जब बैग पैक करते हैं तो आपको बताते हैं कि क्या क्या सामान था और कैसे कैसे मैं पैक कर रही हूँ. तो बने रहिए, तब तक मैं थोड़ा सा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ. जो कंपनी की चीजें हैं वो लेफ्ट साइड पे रखते हैं और जो मेरी अपनी है वो राइट पे रखते हैं. सो दिस इज अनयूज्ड यूनिफॉर्म, मतलब मैंने इसको यूज नहीं किया है, जैसे ये आया था पैकिंग में पूरा वैसे का वैसा दिख रहा है, तो ये वापस जाएगा. नाउ दिस स्टोल, दिस तो कंपनी ने नहीं दिया, तो ये मेरा अपना है, इसको हम रखते हैं राइट हैंड साइड पे. उसके बाद है मेरे पास ये एप्रन जो हम लोग इन फ्लाइट यूज करते थे, तो काश मैं ये रख पाती अपने पास किचन में यूज करने के लिए घर पे, बट मेरे पास एक ही है तो ये देना पड़ेगा कंपनी को वापस विद अ वेरी हैवी हार्ट. फिर है मेरे पास ये लेगिंग्स जो मैं यूज़ तो फ्लाइट पे करती थी, क्योंकि हम लोग को जेद्दा फ्लाइट पे बोला था ये पहनने के लिए, बट दिस इज़ माय ओन, मैंने खुद खरीदी है, ये कंपनी ने नहीं दिया है. सो ये भी मैं वापस नहीं दूंगी, अपनी कुर्ती वुर्ती के साथ पहनूंगी. उसके अलावा क्या है मेरे पास, कॉम है, हैंकी है, ये सब तो कंपनी नहीं देगी. एलोवेरा जेल है, ये भी राइट साइड पर जाएगा. देन आई हैव दिस पाउच. अब ये पाउच जो है ये मैं इन फ्लाइट यूज़ करती थी, तो लेट्स सी कि क्या है इसके अंदर. एक परफ्यूम है जो अपना है ऑफकोर्स, और एक सैनिटरी नैपकिन है, ये कंपनी की वाइप्स है, छोड़ो इसको. देन आई हैव ब्लश, लिपस्टिक, इनहेलर, वन मोर नेम बैच, तो ये भी मुझे वापस देना पड़ेगा, ये विद अ वेरी हैवी हार्ट. और एक लिपस्टिक है जो मेरा खुद का है, तो ऑफकोर्स ये पाउच भी राइट हैंड साइड पर जाएगा. उसके अलावा क्या है, ये मेन्यू है मेरा किसी तो होटल का, आई थिंक मदुरई होटल का है ये, क्योंकि अब तो वो लेवर नहीं मिलेगा मुझे, तो क्या मतलब है ये कचरा रख के. फिर बैग का वारंटी कार्ड है ये 3 इयर्स, बस और कुछ तो है नहीं है ये. अगेन सैनिटरी नैपकिन. अब ये वाली जिप में देख लेते हैं इफ एनीथिंग इज देयर, नथिंग इज देयर. अब आ जाते हैं अपने फ्रंट पार्ट में, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना है, थोड़ा गंदा हो गया बट ये निकालना है मुझे. ये तो नहीं दूंगी मैं कंपनी को, बट आई थिंक नहीं निकलेगा ये मेरे से, थोड़ा बाद में मेहनत करती हूँ. फॉरगेट इट. फर्स्ट जिप, मंचाव सूप. उसके बाद एक लेटर है मेरे पास जो मुझे किसी ने दिया है. So what it is, it was
always pleasure flying with you, Megha Abrol. All the best for your future from Neeraj More. So it is from one of my friends. ये भी right side पे जाएगा क्योंकि ये company को नहीं देना है. फिर again मेरे पास ये मेरा personal सामान है, lipstick, pencil, lipstick, nail paint, shoe shiner. This is rubber band जो मैं अपना bubble braid बनाने के लिए use करती हूँ. और अगेन दो वेट वाइप्स है, दैट्स इट. और मेडिसिन है, ये भी मेरे पास ही रहेगा. तो फर्स्ट जिप आपका खाली हो चुका है. और लेट्स जंप ऑन टू द सेकेंड जिप. इसमें क्या है? सो आई हैव वन स्टॉकिंग. दिस इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम द कंपनी, ये मेरा पर्सनल है. ये बुरी हालत में है, यूज़ नहीं किया बट फट गया एक्चुअली पैकिंग. राइट साइड पर जाएगा. देन आई हैव दिस QRH, इसको बोलते हैं क्विक रेफरेंस हैंडबुक. तो बेसिकली आपका जो बड़ा बड़ा मैनुअल्स होता है लाइक सेफ्टी, फर्स्ट एड जो भी है, तो वो एक छोटी बुक में आपको समेट के दिया होता है. तो ये आप हमेशा इन फ्लाइट अपने साथ रखते हो बिकॉज यू कैन नॉट कैरी दोज बिग मैनुअल्स. तो ये भी लेफ्ट साइड पे जाएगा, ऑफकोर्स कंपनी का है. देन आई हैव दिस कॉम्पिटेंसी कार्ड, मीन्स हमारा लाइसेंस होता है ये, जो हम हर फ्लाइट के पहले दिखाते हैं कि हाँ माई लाइसेंस इज़ वैलिड. देन आई हैव पासपोर्ट विच इज़ माई ओन, एंड आई हैव बैटरीज. तो ये भी मेरा अपना सामान है, तो आई कीप इट ऑन द राइट साइड. देन आई हैव दिस टॉर्च, ये भी मेरा अपना है, ये चलता है. यस, और एक मास्क है. मास्क क्या ही करेगी कंपनी, अपने पास रखते हैं. लेट्स जंप ऑन टू थर्ड वन. नाउ आई हैव दिस पाउच जो मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है, दैट टू फ्रॉम सिंगापुर, यू नो इम्पोर्टेड है ये. वट इज़ देयर इनसाइड? आई हैव सम मनी, 50 रुपये है इसमें. और एक BA ट्यूब है मेरे पास, ये भी किसी काम की नहीं है कंपनी की, बिकॉज ये यूज़ नहीं कर सकता है कोई, तो ये मेरे पास ही रहेगा. What else? Nothing is there. I have one hairpin. और ये एक रियाल है मेरे पास, वन रियाल. सो दिस रियाल ना, नो सॉरी, दिस इज धीरम. सो ये एक धीरम है, तो ये भी राइट साइड से जाएगा. दैट्स इट. सो अब ये निकालना है मुझे, थोड़े टाइम में निकालती हूँ मैं और पैक करती हूँ. सो गाइज, अब मैं जो भी सामान मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर निकाला था उसको मैं बैग में डालूंगी. और मैं क्या सोच रही हूँ, वट एवर आई एम कीपिंग इन द बैग आई विल राइट, ताकि मतलब फ्यूचर में जैसे होता है कभी कभार कि हाँ ठीक है आपने ये नहीं दिया था, आपने वो नहीं दिया था, तो मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव गिवन. और लास्ट में एक फोटो भी ले लूँगी. आई थिंक 1, 2, 3 and 4. सो आई एम गिविंग 4 यूनिफॉर्म्स इन टोटल. तो ये 4 मैं रख देती हूँ. अभी पानी का आपको आवाज़ आ रहा है, प्लीज़ बेयर करना, क्योंकि मेरे घर पर शाम को पानी आता है, तो वो आपको टक 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 मैंने ऑन कर दिए, उसके वजह से आवाज़ आ रही है. 4 यूनिफॉर्म रिटर्न. उसके अलावा है मेरे पास 1 एप्रन, सो आई विल राइट एप्रन. अब आप सोच रहे होंगे कि एप्रन के साथ हैंड ग्लव भी होता था, जो हम लोग अवन को यू नो फूड हैंडलिंग में यूज़ करते थे, बट मेरा अवन का ग्लव जो है वो मेरी सेकेंड या थर्ड लास्ट फ्लाइट, आई डोंट रिमेंबर, नॉट थर्ड लास्ट, आई थिंक 4th, 5th लास्ट, मुझे याद नहीं है, बट आई वॉज डूइंग कैलकटा फ्लाइट आई रिमेंबर. और मैंने अपने आटू को मेरा हैंड ग्लव दिया था, और चेंज ऑफ एयरक्राफ्ट था, शी टोल्ड मी दैट शी गेव मी, बट मेरे को याद नहीं है कि मुझे मिला था, तो वो गुम गया मेरे से. और दैट वाज द ओनली ग्लव आई हैड. उससे पहले मेरा एक पूरा पाउच खो गया था फ्लाइट पे, जो मैंने आपको बताया था, और वो पाउच तो कभी मिला ही नहीं. तो इस बार मेरा वो जो एक लौता ग्लव था वो भी खो गया, तो अब ग्लव मेरे पास है नहीं. तो चलो व्हाटएवर इट इज़, अब नहीं है तो नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट आता है ये ओवरकोट, जो लिटरली मतलब दिस इज़ द बेस्ट 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 पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म. आई जस्ट लव दिस ओवरकोट. तो ये भी वापस देना पड़ेगा, उसको भी मैं रख लेती हूँ. ये कहाँ स्टॉकिंग जा रही है, मेरा अपना आयरा हो उधर. ठीक है, तो एक मैंने दिया है ओवरकोट. इतनी मुश्किल होती है ना मुझे ऐसे कंटेंट बनाने की. अब इसके अलावा मेरी क्या बाकी है, ये. So this was the neck piece we used to wear with our uniform. और ये पाउच है, स्पाइस जेट लिखा हुआ, वापस जाना पड़ेगा मुझे. मेन बैच, इयर रिंग्स, एवरी थिंग आई एम कीपिंग इन साइड. इसके बाद आई थिंक एक चप्पल बाकी है, आई मीन दैट हील्स. सो उसके कपड़े पड़े हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं डालना चाहती हूँ. आई एम कीपिंग इट इन दिस, आई मीन पॉकेट टाइप ऑफ थिंग.
और किताबें हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि आप उसी में डालते हैं, इसको रख देते हैं इधर। या सो एक फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। सो गाइस, दिस इज माय बैग, यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है और ऐसा कुछ फाइनल दिख रहा है। तो मुझे अपने लिए भी एक फ़ोटो निकालना है इसका, वो निकाल लेते हैं पहले। तो फाइनल मैंने दिखा दिया आपको बैग, कुछ ऐसा दिखता है। अब ये मेरे इमोशंस के साथ चले जाएगा कल कंपनी के पास। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, कल जब एयरपोर्ट जाऊँगी ये बैग लेके वहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाई।